नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 20 अक्टूबर साल 2024 का राशिफल। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर 20 2024 रविवार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और इस दिन राहु काल शाम को 4:25 से लेके शाम को 5:55 तक मान के चलें। चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगा और आप कोई भी स्पीच और प्रोडक्ट shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो। चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के जातक आज धन के मामले में लाभ की स्थिति बनी हुई है। बड़ा निवेश करने से पहले अच्छे ढंग से विचार अवश्य करें। व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। बहुत समय से रुके हुए किसी कार्य को बनाने की चेष्टा करें। नौकरी पेशा लोग अपने कामों को लेकर पूरी तरह से जिम्मेदार रहें। ब्लड प्रेशर वगैरह चेकअप कराते रहें तो अच्छा रहेगा। किसी की बात को अपने दिल पर ना लगाएं। नौकरी करने वाले को आर्थिक मामलों में सोच समझकर चलना होगा। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में जबरदस्त नतीजे हासिल हो सकते हैं। ऐसी जगह पर वेकेशन बिताने जा सकते हैं जहाँ पहले कभी नहीं गए हैं। बेहद रोमांचक समय बिताएंगे। परिवार में आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना है। बुजुर्गों के द्वारा मिली हुई राय को नज़रअंदाज ना करें। अब विवाहित हैं तो रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। दोस्तों के साथ कुछ बातें आप शेयर कर सकते हैं। जीवन साथी का भावनात्मक सहयोग आपकी कार्य क्षमता को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। आप यदि किसी से नए संबंध से जुड़े हैं तो उन्हें समय देना होगा। आपके लिए शुभ रंग होगा नीला और शुभ अंक होगा 4। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातक आज के दिन बिजनेस कर रहे लोगों को सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें अपने जूनियर को सौंपे गए काम पर पूरी निगरानी रखनी होगी, नहीं तो कोई बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं जो बाद में आपके लिए समस्या बनेगी। आज मान सम्मान भी प्राप्त होगा। काम से संबंधित बढ़ाए हुए प्रयत्नों के कारण बड़ा लाभ होगा। ऑफिशियल कार्यों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है। सरकारी नौकरी की तैयारी करे लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपकी रचनात्मक कार्यों में लगन होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन आपका मित्र आपके किसी धन संबंधित प्रॉब्लम को सुलझाने में आपकी मदद करेगा। विद्यार्थी अपने किसी काम को लेकर परेशान रहेंगे, उन्हें अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी। आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाना मानसिक शांति देगा। आपका मित्र मंडली बोरियत को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। लव पार्टनर आपको खुशियां प्रदान कर सकता है जिसकी आपको चाहत है। आज आपका शुभ रंग होगा गुलाबी और शुभ अंक होगा 9। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातक आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज आपके व्यवहार में विनम्रता और लचीलापन ही आपको सफलता दिला सकता है। आज पारिवारिक रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। आज लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आज के दिन मिथुन राशि के जातक कोई भी बिजनेस संबंधी महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले उचित सोच विचार जरूरी है। कुछ लोगों का संगीत के कार्यों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। अपने उद्देश्य को पाने के लिए अधिक डेडिकेशन के साथ काम करना शुरू करेंगे। पुरानी बीमारी ठीक करने के लिए जो उपचार आप ले रहे हैं उसमें सतर्कता बनाए रखें। किसी पारिवारिक समारोह में शामिल हो सकते हैं। एक अप्रत्याशित मुलाकात आपको अपने प्रेम जीवन के बारे में भ्रमित कर देगी। आज आपका शुभ रंग होगा लाल और शुभ अंक होगा 5। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की।
कर्क राशि के जातक, आज आपके व्यक्तित्व में नए आकर्षण पैदा होंगे। अपने हुनर और समझदारी से आप कार्यों को बखूबी पूरा करेंगे। व्यापार में आज अचानक शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने का सही समय है। साथ ही आज आपको अपने कार्य विस्तार के लिए थोड़ा सा लोन लेना पड़ सकता है। धन के मामले में सफलता प्राप्त होगी। बड़े कारोबार या प्रॉपर्टी में निवेश के लिए समय सही है। कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी बातों में ना उलझें। आप अपनी वर्तमान नौकरी को लेकर असमंजस की स्थिति में रहेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कोई यात्रा का प्रोग्राम कैंसिल होने से राहत मिलेगी। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। किसी प्रकार की समस्या से हार ना माने। जीवन साथी के साथ कोई विवाद ना करें तो ही आपके लिए शुभ होगा। पार्टनर की सभी गलतियों को नजरअंदाज करें। आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। आपके लिए शुभ अंक होगा 3। अब हम बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातक, आज आपके सितारे बुलंद हैं और धन लाभ के संकेत हैं। माता से धन और सहयोग मिल सकता है। बिजनेस में लाभ तो मिलेगा, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। युवा अपने करियर को लेकर सजग रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को किसी प्रोजेक्ट में टीम की ओर से विश्वासघात की आशंका है। आज आपके लिए गहन कार्य करने की अनुशंसा नहीं की जाती है। आप मांसपेशियों में खिंचाव या मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो सतर्क रहिएगा। ऐसी किसी भी चीज़ से बचें जो इसका कारण हो सकती है। विदेश से संबंधित यात्रा करते समय काम से जुड़ी बातों पर आपको ध्यान देना होगा। आज के दिन उन्नति दिलाने वाला दिन है, तो जो भी करें सोच समझ कर करें। आपको किसी जरूरी काम को समय रहते पूरा करना होगा और उसके नीति और नियम बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, तभी वो किसी परीक्षा को दे पाएंगे। आप कार्य क्षेत्र में कुछ बयानों के कारण असमर्थ महसूस करेंगे। आप अपने दैनिक कार्यों में किसी बदलाव के कारण परेशान हो सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में किए गए वादे को निभा पाना आसान नहीं होगा, फिर भी प्रयास करेंगे। प्रेम संबंधों में रोमांस लाने की कोशिश करें। जीवन साथी के संग प्यार के पल बिताएंगे। माँ कात्यायनी के सामने घी का दीपक जलाइए, बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक होगा 2। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातक, आज हर कोई आपके साथ चलने की कोशिश करेगा। जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले से जुड़े हैं, उनके कार्य आज समय से हो जाएंगे। आपको ऑफिस में मिले नए प्रोजेक्ट को पूरा करने में जूनियर्स का सहयोग मिलेगा। आज घर पर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। आज किसी प्रिय मित्र की आर्थिक सहायता करनी पड़ सकती है। कारोबार में लाभदायक अवसर उभर कर आएंगे। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों की आज कोई फायदेमंद डील फाइनल हो सकती है। वर्तमान नौकरी में शानदार प्रदर्शन कर आप प्रोफेशनल ऊंचाई को छू सकते हैं। योग्य डॉक्टर के द्वारा मिले हुए इलाज के कारण पुरानी बीमारी ठीक होने लगेगी। एक यात्रा जो आपके लिए उत्सुक नहीं है, वो आपका दिलचस्प हो सकती है। आज के दिन बेवजह की उलझन से दूर होकर आप किसी मंदिर पर अपना खाली समय बिताएंगे। यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं और यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। उन रिश्तों को जोड़ने का प्रयास करें जो किसी कारणों से टूट गए हैं। आज आप प्रेम जीवन में काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे। आज आपके लिए शुभ अंक होगा 3। हम तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के जातक, आज का दिन थोक व्यापारियों के लिए अच्छा है। आप कुछ नई नई योजनाएं बनाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी बिजनेस में फायदा होगा। यदि ऑफिस में कामकाज का दबाव बढ़ रहा है, तो फिर कॉमेडी मूवी या संगीत के साथ मनोरंजन करने में मानसिक थकावट कम होगी। आज काम में अच्छे अवसर हाथ आने लग सकते हैं। आपके पारिवारिक बिजनेस में आज आपको अपने जीवन साथी की बात माननी पड़ सकती है। व्यापारियों को सरकारी नियमों से कुछ परेशानी हो सकती है। सोशल मीडिया के जरिए आज आपका कोई नया दोस्त बन सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
बिना किसी मकसद के अनावश्यक इधर उधर घूमते रहने का विचार सही नहीं होगा। अपने घर की साफ सफाई की भी योजना बना सकते हैं। जीवन साथी से प्यार भरी बातें करेंगे। आज आपके लिए शुभ अंक होगा 6। अब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के जातक, आज आपके पास विचारों की कोई कमी नहीं है। आज का दिन पेमेंट कलेक्ट करने और मार्केटिंग के लिए अति शुभ है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को सहकर्मियों की मदद करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य में चेस्ट इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, ऐसे अपना विशेष ध्यान रखें। परिवार के साथ रोमांचक ट्रिप की संभावना बन रही है, इसलिए मस्ती के लिए आप तैयार रहें। पुराने रिश्ते की यादें आज आपके दिमाग में घूम सकती है। आज का दिन आपके लिए एक अच्छा परिणाम लेकर आएगा। आपके घर किसी अतिथि का आगमन भी हो सकता है, जिससे परिवार में खुशियां रहेगी। सामाजिक कार्यक्रम में कार्यरत लोग आज व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण वो अपने कामों की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपके अधिकारी आपसे यदि किसी कार्य को करने के लिए कहें तो आपको उसे समय रहते पूरा करना होगा। आपको किसी काम को लेकर निराशा हाथ लगेगी। आज के दिन पुराने रिश्तों को थोड़ा सा समय दीजिए। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन बेहतर है। भावुक होकर रिलेशनशिप में कोई डिसीजन ना लें। आपके लिए भाग्यशाली अंक होगा 9। अब हम बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि के जातक, आज आपको जीवन में नया मुकाम प्राप्त होगा। आज आपको बिजनेस में लाभ लेने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। आज आप अपनी शान और शौकत पर कुछ धन खर्च कर सकते हैं। रियल एस्टेट का कोई भी डील करने से आपको पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत होगी। व्यापारियों को किसी समझौते से धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। किसी नए कार्य को आरंभ करने की योजना बना सकते हैं। आज आपको नौकरी के लिए अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। अपने डेली रूटीन में थोड़ा वक्त सेहत और फिटनेस के लिए निकालना जरूरी है। कहीं जाने से पहले आप टिकट वगैरह बुक करा लें तो अच्छा रहेगा। जो लोग फैशन डिजाइनर हैं, आज उनके दिमाग में अच्छे क्रिएटिव थॉट आएंगे। आज आपके द्वारा किए गए सामाजिक कामों की तारीफ होगी। ट्रांसपोर्ट के कार्य से जुड़े लोगों को मुनाफा होगा। दाम्पत्य जीवन में चल रही नोकझोंक आज समाप्त होगी, तो जीवन साथी के साथ उत्तम खान पान का आनंद भी लेंगे। किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने से आपका दिल रोमांच से भर जाएगा। आपके लिए शुभ अंक होगा 1। अब हम बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातक, आज का दिन आपको किसी बहुमूल्य संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपका कार्य शिक्षण संस्थान से जुड़ा है तो लाभ होगा। आपके साथ कोई फ्रॉड कर सकता है तो सावधान रहें। जो लोग विदेश में रहते हैं उनको काम के बड़े अवसर प्राप्त होंगे। आज ईश्वर की कृपा से बहुत सारे काम बन सकते हैं। और इतना ही नहीं, आजीवन साथी के सहयोग से प्रॉपर्टी में भी हाथ डाल सकते हैं। अपने समय का सदुपयोग करने से आपको लाभ होगा। आपको सलाह है कि अपने खर्चों में कमी करने का प्रयास करें। घर के जरूरी कामों में हाथ बटाएंगे। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय परिवारजनों की राय काफी महत्वपूर्ण रहेगी। आज आध्यात्मिक पक्ष पर काम करने का प्रयास करें। यातायात नियमों का पालन करें, अन्यथा आर्थिक दंड भुगतना पड़ सकता है। किसी और के मामले में उसकी ओर से फैसले लेने से बचें। खर्चों में कमी करने का प्रयास करें। घर के जरूरी कामों में हाथ बटाइए। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय परिवारजनों की राय जरूर लीजिए। दाम्पत्य जीवन के लिए आज का दिन बढ़िया है। जीवन साथी को कोई लाभ मिलेगा। आपके लिए शुभ अंक होगा 8। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातक, अपनी कोशिशों में कमी नहीं आने दें, क्योंकि इस वक्त की गई मेहनत का भविष्य में उचित परिणाम हासिल होगा। आज के दिन आप अध्ययन और अध्यात्म के कार्य में व्यस्त रहेंगे। यदि पिछले कुछ समय से आप किसी बात को लेकर परेशान थे तो लोग के सामने उजागर हो सकता है। आपको किसी डील की फाइनल करने से पहले उसके नियम और पहलियों की स्वाधीनता से जांचना होगा, नहीं तो आपको फिर नुकसान हो सकता है।
जो टीचर हैं वो अपने ज्ञान को और अपडेट करने की प्लानिंग करें। किसी गुपचुप तरीके से पैसे आ सकते हैं। वर्तमान समय में व्यवसाय में नई टेक्नोलॉजी की जानकारी रखना ज़रूरी है। जो लोग मिट्टी के व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन बहुत फ़ायदेमंद है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। किसी पारिवारिक समारोह में जा सकते हैं। अपने साथी के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करें। जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखी ना करें। आपके लिए शुभ रंग होगा नारंगी और शुभ अंक होगा 7। आज आपको अपने मित्र से बातचीत भी करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि का जातक, आज आप अपने सोचे हुए कार्यों को जल्दी पूरा करने में सफल होंगे। इस राशि के जो लोग लोहे का बिजनेस करते हैं आज उनकी उम्मीद से अधिक मुनाफा होगा। 22 से आज आपको कोई उपहार मिलेगा। धन के मामले में आज कुछ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। भूमि और संपत्ति संबंधी कार्य भी होंगे। किसी भी काम में जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। विद्यार्थियों को मनचाहा परिणाम मिलने से मन प्रसन्न होगा। कुछ लोगों को गैस और बदहजमी की वजह से जोड़ों में दर्द जैसी समस्या रह सकती है। घर से बाहर निकलते समय अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। 22 से आज आपको कोई उपहार मिलेगा। आज आपको घर के बुजुर्गों के सेहत का खास ख्याल रखना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपके अनुकूल माहौल में काम करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की प्रतीक्षा कर रहे छात्रों को उचित अवसर मिलेंगे। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का समाधान आपका निकलेगा। किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ नया सोचें। जीवन साथी के साथ रिश्तेदारी में जा सकते हैं। आज आपका शुभ रंग हुआ केसरिया और शुभ अंक होगा 6। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।